हम क्यों बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अमेजिंग स्पाइडरमैन को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड काफ़ी लोग मैंने यूट्यूब पे देखा है कि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड कहते हैं, मतलब मोस्टली वीडियोस फेक होती हैं भाई यूट्यूब पे, जो आप लोगों को ये सब ऐप्स डाउनलोड करवाने के लिए कहती हैं कि हम ऐसे करवा देंगे डाउनलोड, कभी ऐसे करवा दें। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि सारी की सारी फेक होती हैं, सारी की सारी फेक नहीं होती, कुछ ज़्यादातर फेक होती हैं एंड काफ़ी सारी आपके काम भी आ जाती हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। बट आज के इस वीडियो में आप लोगों को इतना आसान वे बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कैसे वो सारी चीज़ें। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ गाइस, APK और OVB फाइल के साथ, जैसे कि आप कैसे आप लोग APK डाउनलोड कर सकते हो, OVB फाइल कर सकते हो, ये सब बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वीडियो अगर पसंद तो कर देना गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड भाई लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, एंड सब्सक्राइब प्लीज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, एंड वीडियो में आप लोगों को अमेजिंग स्पाइडरमैन की हर एक ट्रिक टिप सब मिलने वाला है, सब कुछ यहीं पर मिलता है, सब्सक्राइब। ओके सो गाइस, अभी आप लोग आ चुके हो मेरी स्क्रीन पे, एंड स्क्रीन पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि मैंने अपना गूगल को खोल रखा है, एंड अब गूगल पे तो मैं आ चुका हूँ, पर यहाँ पे क्या टाइप करना है वो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई चैनल को, एंड यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना होगा दी अमेजिंग स्पाइडरमैन टू एंड्रॉयड, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन टू एंड्रॉयड, एंड फिर उसका नाम लिखना होगा APK प्लस डाटा, ओके मॉड के साथ लिखना भाई, मॉड भी लिखना, एंड यहाँ पर फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ओके तो ये जो लिंक है गाइस, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अभी खुल रहा है गाइस, ये दिख रहा है ना, अब मैंने क्लिक कर दिया गाइस। ओके APK डाटा मॉड ये खुल चुका है, ठीक है। और आप थोड़ा नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड डाटा एंड डाउनलोड APK का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोगों को डाउनलोड डाटा कर लेना है सबसे पहले, जो कि आप लोगों को यहाँ पे 600 MB का मिल रहा है, ज़्यादातर मैं बताऊँ तो 600 MB का है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये 1 GB का हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को इसको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से, एंड यहाँ पर जाकर आपको इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे क्लिक हेयर करके, ये देखो IAM Human पे आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है, फिर यहाँ पे ह्यूमन वेरिफिकेशन देनी है अपनी गाइस। इसमें बहुत इजी है, ये GDA5 वाली नहीं है ह्यूमन वेरिफिकेशन, क्योंकि उसकी तो बहुत ख़तरनाक वाली लेवल की होती है, आप परेशान हो जाते हो। एंड यहाँ पर आप लोगों को ह्यूमन वेरिफिकेशन पूरी करनी है, तो मुझसे कह रहा था मोटरसाइकिल, मैंने मोटरसाइकिल कर दिया। ओके तो ह्यूमन वेरिफिकेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 APK। ओके डाउनलोड का ऑप्शन अब मेरा आ चुका है, खुलेगा नहीं गाइस डाउनलोड का ऑप्शन जब तक आप लोग वेरिफिकेशन नहीं करो, फिर आप लोगों को डाउनलोड कर देना है गाइस। एंड जैसे आप लोगों का डाउनलोड हो जाता है, आपको जाना है माई फाइल्स में, क्योंकि मैं सैमसंग पे काम कर रहा हूँ, अगर आपके पास Xiaomi है तो आप लोग सीधा डाउनलोड के ऑप्शन पर जाकर कर सकते हो। अब यहाँ से मैं आप लोगों को जाना होगा प्ले स्टोर पर, एंड डाउनलोड करना होगा गाइस जेड अचीवर नाम का ऐप। इससे क्या होगा ना कि आप लोग चीज़ें जो है उनको डाउनलोड कर सकते हो इससे, APK वगैरह काफ़ी अच्छी ऐप है, तो डाउनलोड कर लेना जेड अचीवर। ओके सो ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, फिर वो खोल लेनी है, एंड जहाँ पर आपने उसके APK और डाटा डाउनलोड करे हैं वहाँ पे जाकर किसी भी ब्राउज़र से कर रहे हो उसी ब्राउज़र के अंदर क्लिक कर देना गाइस। ओ अच्छा हाँ गाइस, आप लोगों को पहली बार इंस्टॉल भी कर लेना है, मैं भूल गया था इंस्टॉल करना बताना, पहले इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल हो गया, अब ओपन मत करना, डोंट ओपन इट, बस ऐसे ही रहने दो इसे, ओपन मत करना। एंड ये यहाँ पर मेरी होम स्क्रीन में ऐड हो चुका है। अब हम लोगों को फिर से जाना होगा जेड अचीवर में, एंड जेड अचीवर में जाने के बाद हम लोगों को जाना होगा डाउनलोड पे, एंड यहाँ पे जिप फाइल आ चुकी है, ऊपर देख सकते हो जैसे कि आप लोग,
और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर पे हम लोग कर देंगे क्लिक। एंड ये जैसे ही हमने एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करा, ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्ट चालू। अब गाइस आपके रैम और प्रोसेसर पे ये डिपेंड करता है कि कितनी देर में होगा। मेरा ठीक ठाक सही प्रोसेसर है तो हो जाएगा, ऐसी भी कोई देर नहीं लगने वाली है इसको। एंड गाइस अब हमारा हो चुका है ये एक्सट्रैक्ट। एंड यहाँ पर ऊपर देख सकते हो गाइस gameloft.com का आ चुका है ये, तो इसको मैं थोड़ा ओपन करता हूँ। एंड यहाँ पे कट कर लेना है आपको यहाँ से, ओके, जो कट का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से कट कर लेना है। सो मैंने इसको कट कर लिया। एंड अब आपको ये डाउनलोड्स का ऑप्शन खुला हुआ है ना, अब इसको बंद करके आप लोगों को अपने ये एंड्रॉयड में जाना है। एंड एंड्रॉयड में जाने के बाद OBB में जाकर इसको कर देना है आपको कॉपी। ये देखो तो यहाँ पर ये आ रहा है ना क्लिपबोर्ड सा असाइन सा, इससे आप लोगों को कॉपी कर देना है। इसे काफ़ी इजी है, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे हो आ चुका है गाइस गेम लॉफ्ट एंड्रॉयड आ चुका है ये सब। एंड अब ये आपका गेम हो चुका है बिल्कुल रेडी भाई, मतलब इतना इजी होगा मैंने सोचा भी नहीं था, पर बहुत इजी है। तो ये चला दिया गाइस मैंने गेम, एंड यू कैन सी हेयर हमारा जो गेम है वो चल चुका है मेरे भाई। एंड सी क्या मस्त चल रहा है यार गेम हमारा। एंड ऊपर हम लोगों को डाटा ऑन करना होगा, मेरा डाटा ऑन नहीं था शुरुआत में। आप लोगों को डाटा ऑन करना होगा, बाकी में आप कैसे भी चलाओ गेम, ऑन करो ऑफ करो, शुरुआत में तो डाटा ऑन करके ही चालू करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अलाउ एक्सेस मांग रहा है, सारे मैं अलाउ कर दूँगा, इससे कुछ नहीं होता गाइस। काफ़ी लोगों को डर लगता है कि यार ये ख़राब हो जाएगा फ़ोन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होता, नथिंग हैपेंस। एंड ये वेरीफाइंग फाइल्स हो गया। एंड अब होगा भाई हमारा मेन गेम चालू, मज़ा आएगा गाइस, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 कनेक्टेड टू प्ले गेम्स। एंड अब जैसे ये हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ना बहुत फास्ट मोशन में अब दिखा देता हूँ गाइस इसका पूरा का पूरा गेम प्ले। बची तो है नहीं गाइस ज़्यादा वीडियो, 2 मिनट की बची है। एंड वाई आई वेस्ट योर टाइम, तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। Everything that brought me alive, but we're all like monsters playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi.